लड्डू और ये साल भर का बेटा है जिसका नाम है गप्पू। तो चलिए इन्हें खेलने देते हैं और डिनर की तैयारी कर लेते हैं। डिनर में आज एक करी बना रही हूँ जिसमें प्याज, टमाटर, धनिया, मिर्चा और कुछ खड़े गर्म मसालों का पेस्ट है। मैंने एग को अच्छे से फ्राई कर लिया है। फिर जब एग अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो उसी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल बढ़ा के तेज़पत्ता, हींग और मिर्च डाल दूँगी और जो मैंने पेस्ट बनाया था उसमें नमक मिला के उस पेस्ट को डाल दूँगी। और जब साइड से तेल छोड़ देगा ना मसाला, तब एग डाल दूँगी और जितना मुझे ग्रेवी चाहिए उतना मैं पानी डाल दे रही हूँ और एक बॉइल होने तक एग को पका रही हूँ। और एग करी तैयार है। तो खाना खाने के बाद हम लोग वॉक के लिए आए हैं। ये मेरी सोसाइटी का पार्क एरिया है जहाँ पे मेरे बच्चों का बहुत ज़्यादा मन लगता है उस एरिया पे। तो चलिए गाइस बच्चों के साथ एंजॉय करते हैं और आपसे मैं कल सुबह मिलूंगी। बाय बाय, गुड नाइट। मॉर्निंग गाइस, ये मेरी बेबो भी मेरे साथ उठ गई हैं सुबह सुबह। सुबह के 9 बज रहे हैं और चिलचिलाती धूप देख लीजिए। तब तक मैं बच्चों का नाश्ता खाना बना लेती हूँ और साथ में थोड़े से घर के छोटे मोटे काम भी निपटा लूँगी। और मैंने उपमा भी बनाया है जिसकी रेसिपी बहुत जल्दी शेयर करूँगी आपसे। ये फ्राइड मिर्च का मसाला तैयार कर रही हूँ छोले भटूरे बनाने के साथ, जिसमें खड़ी धनिया है, सरसों है और सौंफ है। इसको अच्छे से भून लूँगी। जब धुआं निकलने लगे तब गैस ऑफ करके आधी चम्मच हल्दी डाल दूँगी। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको मिक्सी में पीस लूँगी। तब तक इधर मैंने साइड में छोले की तैयारी कर रखी है। तो छोले के लिए मैंने 2 प्याज, 1 टमाटर को अलग अलग पेस्ट बनाया है, 1 मिर्च, 1 खड़ी लाल मिर्च और थोड़ा सा पीसी लाल मिर्च रख दिया है। धनिया के डंठल है, डाल के देखिएगा बहुत बढ़िया स्वाद आता है। और ये वही मसाला है जो मैं अभी मिर्च के लिए बना रही थी। साइड में मैंने छोले मसाले को पानी भिगो के रख दिया है। ये मैं सिंपल तरीके से आलू को छौंक रही हूँ, जिसमें जीरा है और लाल मिर्च है। आलू को छौंक लगा दूँगी। साइड में मैंने मिर्च अलग से भी मिर्च को फ्राई कर रही हूँ। मिर्च जो फ्राई हुई है उसे पे ये मसाला मैंने छिड़क दिया है। अब तक छोले बना लेती हूँ। कुकर में तेल गर्म होने तक रखे, उसके बाद पिसी प्याज, लाल मिर्च, धनिया की डंठल और हल्दी डाल दिया मैंने। इसको अच्छे से मिक्स करके रख दूँगी और साइड में छोला और पानी को अलग कर दिया। ये जो पानी है ना, ये काला पानी है। काला पानी मीन पोटली मैंने बनाई थी चाय पत्ती और जितने खड़े गरम मसाले होते हैं, इलायची, दालचीनी और 1 चम्मच चाय पत्ती डालिएगा, सिनेमन स्टिक, जितने भी खड़े मसाले हैं ना उसको एक पोटली बना के अच्छे से 3-4 सीटी छोले पकने तक बनाइएगा। छोला जब 90% पक जाए ना तब उसे निकालिएगा और इस पानी को मत फेंकिएगा। इसी पानी से ना पूरा छोला बनाइएगा, बहुत टेस्टी बनता है इससे, आप ट्राई ज़रूर करना। ये मैंने घर पे बनाई हुई दही है, इसी दही से मैं मैदे का डो और रायता बनाऊँगी। रायता मैं इसी पॉट में ही बनाऊँगी जिससे बहुत अच्छा एरोमा और टेस्ट बढ़ता है, आप ट्राई करना है। आलू बनके तैयार हो गए हैं। चलिए छोले की कंडीशन देखते हैं। ये देखिए साइड से तेल छोड़ दिया है प्याज ने, अभी सिर्फ प्याज ही मैंने डाला था। अब इस काले पानी को मैं ऐड करूँगी, फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। टमाटर के प्योरे ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद ढक लूँगी मैं, फिर अगेन मैं काले पानी को ऐड करूँगी। इस ब्लैक वाटर को ना आपको बार बार थोड़ी थोड़ी देर पर ऐड करना है और जितने भी मसाले आप डालोगे ना हर बार 2-2 मिनट के लिए ढकना है आपको। अब काबुली चना को 2-3 मुट्ठी मैश कर करके डालूंगी। इसको बहुत अच्छे से चलाने के बाद, मैश करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिएगा, फिर ढक दीजिएगा,
फिर इसका कलर देखिएगा, बहुत प्यारा आएगा। देखिए आप, मैं कोशिश करती हूँ जूम करके दिखाती हूँ आपको। अब इस स्टेज पे ना आप इमली का पानी डाल दीजिएगा, इसको अच्छे से मिला लीजिएगा और उसके बाद ढक दीजिए। अब ये देखिए कलर पूरा साइड से छोड़ दिया है। अभी इस पूरे ब्लैक वाटर को ना इसमें मिला दूंगी, इसी से पूरी ग्रेवी बनेगी। मैंने लास्ट में तेल और दो मिर्च का छौंक लगा दिया था, वैसे नीड नहीं है, इतने में अरोमा आ जाएगा। ये देखिए फाइनल लुक मेरे छोले का, मैंने छोले बना लिया है। ये रायता बन गया, रायता में भी मैंने छौंक लगा दिया था। मिर्च रेडी हो गई है, आलू रेडी हो गए हैं, सैलेड भी रेडी है। ये भटूरे भी दिखा देती हूँ। एक्चुअली फ्रंट कैमरा से ही मैंने सारी वीडियो शूट की है, मेरे पास ट्राइपॉड स्टैंड नहीं और बैक कैमरा भी मेरा ख़राब है, तो दैट्स वाई मैं आपको ना बेलते हुए नहीं दिखा पाई हूँ। ये देखिए भटूरे बहुत सॉफ्ट बने थे और बहुत बहुत अच्छे बने थे भटूरे। फाइनल आप लुक देख लो। आई होप गाइज आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।